ये संगम का दृश्य हम दिखाने जा रहे हैं आप लोगों को। आज पूरा संगम दर्शन करेंगे। कितने किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है ये बता रहे थे लखपाल साहब? कितने किलोमीटर क्षेत्र में? 275 किलोमीटर स्क्वायर है ना? हाँ, 275 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया में जो पूरा संगम मेला फैला हुआ, वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट मेला है, इससे बड़ा मेला आपको कहीं नहीं मिलेगा। देख रहे हैं ये बिजली की व्यवस्था, पावर हाउस और आप देख सकते हैं रैन बसेरा वगैरह क्या डिजाइन है। हमारे बगल में स्कूटी चला रहे हैं। हेलो गाइस, ये देखिए सामने स्कूटी चलाते हुए स्टॉल है। ये BSF भी यहाँ पे लगी हुई है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स भी लगी हुई है, अपना भारत तिब्बत सीमा पुलिस आप देख सकते हैं। अच्छा जो है कुंभ में व्यवस्था किया गया है, नेत्र चिकित्सक भी यहाँ बहुत भारी मात्रा में बैठे हुए हैं। 1 लाख फ्री, क्या बताएंगे, 1 लाख स्पेक्टिकल। अभी हम संगम नगरी में प्रवेश कर रहे हैं, आप लाइटिंग देख सकते हैं कितनी जबरदस्त लाइटिंग है। हमारे साथ बने रहिए, आप पूरा संगम नगरी यहाँ अन्य क्षेत्र देख सकते हैं। कुछ खाने पीने की व्यवस्था है। चलो, विच सेक्टर ही वाज मेंशनिंग अबाउट? अन्य क्षेत्र पे कुछ खाएं? अरुण लौटते वक्त राजेश, विच सेक्टर राजेश वाज मेंशनिंग अबाउट? नो सेक्टर, ही हैज मेंशन नो सेक्टर। हेलो, आई हैवंट लिसन एनीथिंग देन हाउस प्रॉपर्ली डोंट अब्यूज गोइंग आर रिकॉर्डिंग एंड एवरीबॉडी विल लिसन इट। बोलते हो नहीं जाना है फिर बोलते। चलो, अब हम एक प्लाटून पुल का आपको दृश्य दिखाने जा रहे हैं। यात्रा के बीच में प्लाटून पुल देखिए कितनी खूबसूरत डिजाइन की। और उसके पास ही है ये बनी, देखिए कितनी खूबसूरत प्लाटून पुल का निर्माण किया गया है। वाह, जय हर हर गंगे। हर हर गंगे। अरुण चलते रहो, पूरा गंगा मैया का दर्शन हम लोगों को करा दे। जो महाकुंभ नहीं आए हैं उनके लिए भी और जो कुंभ आए हैं उनके लिए भी ये विशेषकर अच्छा रहेगा। बिल्कुल पानी एकदम साफ है गंगा मैया का, कितना अच्छा पुल का दृश्य देखिए। और ये लाइट ऑटोमेटिक ऑन हो रही है। वो है मेन संगम का थे, मेन संगम कुछ दूर पे है दिखा दे। और ये सुरक्षा की काफ़ी अच्छी व्यवस्था की गई, यहाँ पे मोटरला लेकर एक बंदा जा रहा था, आप देख सकते हैं सिविल ड्रेस में जो है सुरक्षा बल लगी हुई है। और ज़्यादा बिरयानी जो है अच्छी अंग्रेजी बोल लेता है।
देखिए एम्बैंकमेंट कितना अच्छा बनाया गया, देख लीजिए ध्यान से आप लोग देखिए, वेरी नाइस एम्बैंकमेंट। अब मैं प्लाटून पुल क्रॉस कर चुका हूँ, अब किसी मैं शिविर में चलूँगा। ये 7-8 सेक्टरों में डिवाइड किया गया है पूरे मेले को। हाँ कितने सेक्टर हैं है? संगम पे और उसके किनारे किनारे का दृश्य है, आप देख लीजिए। सॉरी बहुत अच्छा व्यू है मेले का, आप मेले में एक बार घुस जाएंगे तो भूल भुलैया जैसी है ये मेला। तो देखिए कितने अच्छे सैनिटरी की व्यवस्था की गई है, सैनिटेशन गुड सैनिटेशन। भीड़ को कंट्रोल करने के लिए बैरिकेड्स बनाए गए हैं 50 तरीके। इतनी भारी बारिश के बाद भी सारे पंडाल अपने यथास्थिति में मौजूद है और ध्यान से इक्विलिब्रियम सब मेंटेन एट एवरी टाइम। जो भी बजरिया बीच बजरी मेरी अब जीत रहा है। लक्स को जी का प्रचार गुड। अब देख सकते हैं जो ये गलत पकड़ लिया, प्रचार के लिए कितना अच्छा ये कपड़े बदलने के लिए व्यवस्था दी गई है। ये लक्स वाले जो है, लक्स नहीं है, फेयर एंड लवली वाले जो है, और पूरे संगम में जो है इन्होंने डेरा डाला हुआ है। बहुत अच्छी व्यवस्था, प्रचार करना तो ऐसे कुछ भलाई के साथ करिए। डोंट वेस्ट मनी टाइम इज लवली। ये कृपा नंबर 25 है, आप देखो दीजिए तो प्लाटून पुल पे चढ़ना ही नहीं चाहिए था उधर से। फिर चलो आगे वाले, आगे भी प्लाटून पुल है, बहुत सारे प्लाटून पुल है। प्लाटून पुल डोंट डू पीपी बिकॉज ज़्यादा नहाने के वो कर दिए गए हैं। हाँ जिसको जहाँ जहाँ नहाएगा वहीं रह जाएगा, भीड़ के कोई चांस ही नहीं है। बहुत ज़्यादा वो देख रहे हो, ये सब व्यवस्था उसी लिख दिया गया है ना। और क्या, और पूरा बैरिकेड लगा दिया गया कि कोई बिरयानी इधर से उधर ना जा पाए। क्या है ये क्या है, नाव पे चढ़ने के लिए चलती रही हो। नेता क्या बोला, अरे चाचा भीड़ ना ही रीचिंग टू ओल्ड जी टी मार्ग। ओल्ड जी टी मार्ग, जी टी मार्ग Thank you.
नंबर क्या है? ऐसा बड़ा जिला सतना मेले में आ गए हैं। इतना दया आती है यार, लेकिन क्या यार सही मेन मेले में आ गए हो। कहीं घूमते हैं तो हमें बड़ी भूख लगती है, कुछ खाने का मन करता है। आप देख सकते हैं ये जीटी रोड है, जीटी रोड का ये पुल है, उसके नीचे गंगा जी का विस्तार मेला मेरा अच्छी वाली शुरू हो गई है। नहीं अब थोड़ा सा है, थोड़ा सा ये रोड होगा ना, आर यू श्योर? हाँ हाँ चलो। वरुण वरुण देव है ना? वरुण देव सनी देव पानी निकासी की व्यवस्था हो रही है, जहाँ जहाँ भर गया। ओ अब नागा भी लेके तुमको नहीं यार, हमको भी आज तक नहीं समझ। सेक्टर नंबर 16 है क्या? कितना है फोन आ रहा है क्या? फोन आ रहा है